इस्लामाबाद में थिंक स्मार्ट के उन्वान से सेमिनार हुआ। शोरका ने कहा कि डिजिटल दौर में आगे बढ़ना है तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर पूरी तवज्जो देना होगी। वफाकी वजीर मुर्तजा महमूद ने कहा कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर मुल्की बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। ज़राअत और टेक्सटाइल के साथ शोभा आईटी को तरक्की देकर ही मुल्क खुशहाली के ट्रैक पर आ सकता है। यह पैगाम है थिंक स्मार्ट समिट का, जिसका एहतमाम इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड और पाकिस्तान फोन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने किया। वफाकी वजीर सनअत और पैदावार सैयद मुर्तजा महमूद ने कहा कि मोबाइल इंडस्ट्री को तेजी से मकामी पैदावार की तरफ आना होगा। सनअत की बेहतरी से मुल्की जरूरियात पूरी कर सकते हैं। मोबाइल फोन में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, हमें कंपेटिटिव एडवांटेज है, वी हैव चीप लेबर, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। अगर हम लेबर प्रोडक्टिविटी देखें तो मैं समझता हूं कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स को अपनी लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। ईडीबी के सीनियर अफसर आसम अयाज ने शोबे को फरोग देने के लिए दोस्ताना पॉलिसी अपनाने का मुतालबा किया। पीपीएमए के नायब सदर अमरुल्ला वाला ने कहा कि हमें खुद इनसारी के लिए हुकूमत की जानिब से तावन की जरूरत है। मकररीन का कहना था कि मोबाइल फोन इंडस्ट्री में बरामदात की बहुत ज्यादा सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान में मोबाइल फोन का वॉल्यूम 4 करोड़ के लगभग है।